Hello children, and today we have to do letter N in the notebook. आज हमें letter N को notebook पे लिखना है. So this is letter N. And what is the sound of letter N? N. N says N. और N for क्या बनाया मैम ने? Yes, N for nest. So parents, if you find this drawing easier, you can make this. अदरवाइज यू कैन मेक दिस वन ऑल्सो. आपको जो भी इजी लगती है आप ये ड्रॉइंग बना लो या फिर ये ड्रॉइंग बना लो. कोई भी आपको जो इजी लगती है वो ड्रॉइंग आप बना के दे दो बच्चों को इंग्लिश की नोटबुक में. एंड देन चिल्ड्रन विल पेस्ट ट्विग्स और ब्रूम पीसेस ऑन दिस नेस्ट. ये ब्रूम के पीसेस है, जो हमारा झाड़ू होता है ना उसके पीसेस है. आप इसको पेस्ट करवा सकते हो बच्चों से, नहीं तो आप ड्राइड लीव्स होते हैं ना, जो सूखे पत्ते होते हैं उसका भी आप यूज कर सकते हो इस पे पेस्ट करने के लिए, क्योंकि हमें नेस्ट पे इसको पेस्ट करना है बच्चों से. यस, सो चिल्ड्रेन आपको क्या करना है, नेस्ट पे हमें ये ब्रूम के जो पीसेस है ना इसको हम पेस्ट करेंगे. मम्मा आपको कट करके देगी, आपको इस पे नेस्ट पे पेस्ट करने हैं. ओके, सो आपको ऐसे एक साथ फेविकॉल लगा के लेना है. ओके यस, ये हमने फेविकॉल लगा लिया है ना. एंड देन क्या करना है, यस हमें इस पे ये ब्रूम के जो छोटे छोटे पीसेस है ना इसको हमें क्या करना है, ऐसे पेस्ट करना है. बस ज्यादा नहीं पेस्ट करने, थोड़े ही कर लो, एकदम ज्यादा भी करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, यस ये देखो बारीक बारीक जो पीसेस होते हैं ना, तो ये हमें क्या बना रहा है, इससे हम हमारा नेस्ट बन रहा है. ऐसे ही बनाती है ना नेस्ट, बर्ड कैसे बनाता है नेस्ट, ट्वीक से बनाता है ना, ये अपने ड्राई सूखे पत्ते होते हैं है ना उससे बनाता है, फिर ऐसे ग्रास से भी बनाता है ना. ऐसे ही चीजों से बर्ड क्या बनाता है, नेस्ट बनाता है. और वो नेस्ट कैसे दिखता है फिर, यस इस तरह से दिखता है आपको. तो हमें क्या करना है, आज हम नेस्ट बना रहे हैं आज. ओके, सो ऐसे आपको क्या करना है, नेस्ट पे ये पीसेस आपको क्या करना है, पेस्ट करना है. और ये हमारा नेस्ट रेडी हो गया. और नेस्ट में येलो कलर के क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, यस एग्स है ना, यस बर्ड के एग्स है नेस्ट में. यस, तो ये हमारा नेस्ट रेडी हो गया. यस, तो ये हमारी पेस्टिंग फिनिश हो गई. यस हो गया. और जो बचा है उसको थोड़ा सा आप ऐसे ये कर दो, साफ कर दो इसको. जितना पेस्ट हो गया उतना पेस्ट हो गया, बाकी का आप इसको निकाल सकते हो जो साइड साइड में है. ठीक है, तो ये हमारा नेस्ट रेडी हो गया ना. यस, सो नेस्ट कैसे होता है, इस तरह से बनाता है बर्ड नेस्ट. ओके यस, सो ये हो गया एन फॉर नेस्ट. और अभी हमें क्या करना है, एन को लिखना है. और आपको तो पता ही है कैसे लिखना है ना, बताओ मुझे. ये स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन एंड अपवर्ड स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, अपवर्ड स्टैंडिंग लाइन. आपको तो बहुत अच्छी तरह से लिखना आ गया है, सब बच्चे बहुत ही अच्छी तरह से लिख रहे हैं. यस, सो आपको इस तरह से ये वाला भी पेज पूरा फिनिश करना है. एंड राइटिंग कैसे लिखना है, यस नीट एंड क्लीन वर्क. यस, सो चिल्ड्रेन डू रिटन प्रैक्टिस फॉर लेटर एन. थैंक यू एंड बाय बाय.